हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कौस्तुभ। तो आज का वीडियो बहुत ही फायदेमंद है आप सभी राइडर के लिए। तो बाइक और स्कूटर में जो डिजिटल कंसोल होता है उसके ऊपर एक कवर रहता है, तो उसके ऊपर आसानी से जो क्रैशेस वगैरह वो आ जाता है। मैंने बाइक को कुछ दिन पहले पार्क किया था, उसके बाद लौट के आके देखा कि वो जो डिजिटल कंसोल है वो टूट गया है। तो कैसे टूटा, उसके ऊपर क्रैशेस वगैरह भी थे, वो तो मुझे मालूम नहीं, तो किसी ने छेड़छाड़ किया होगा। तो rapandride.com ने मुझे एक प्रोडक्ट भेजा है जिससे आप जो डिजिटल कंसोल है उसको कुछ हद तक प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसके ऊपर वगैरह भी नहीं आएगा। सो गाइस, ये मेरा पहले का डिजिटल कंसोल का कवर है जिसको मैं अभी रिप्लेस कर चुका हूँ, मगर ये पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह पर आप देख सकती है टूट भी गया है। तो कैसे टूटा वो तो मुझे मालूम नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे क्रैचेस वगैरह भी है, तो मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ा क्योंकि ये तो ठीक नहीं हो सकता। अगर इसके अंदर पानी चल जाएगा तो डिजिटल कंसोल का जो फंक्शन है वो भी खराब हो सकता है। तो चलिए पहले प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका क्वालिटी कैसा है। तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा इसको इंस्टॉल कैसे करना है और कहाँ से आप इसको खरीद पाएंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए यंग इंडिया बाइकर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए बाइक मॉडिफिकेशन के बारे में सबसे पहले जानने के लिए। इस प्रोडक्ट जो है आपको इस तरह से बॉक्स में मिलेगा। चलिए पहले बॉक्स को खोल लेते हैं। चलिए अंदर देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये यहाँ पर रैप हुआ है, मुझे लगता है यही प्रोडक्ट है, तो इसको खोल लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पर तो ये मुझे पता नहीं था, मुझे पता था कि एक ही ग्लास प्रोटेक्टर जो है वो मिल जाएगा, मगर यहाँ पर आपको एक ही प्रोडक्ट के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर दो दो ग्लास प्रोटेक्टर आपको मिल जाएगा। तो इसको बाहर रखते देखते और क्या क्या चीज है अंदर। तो आपको यहाँ पर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल जाएगा और आपको यहाँ पर rapandride से एक ग्रीटिंग कार्ड भी मिल जाएगा। और यहाँ पर जो ग्लास प्रोटेक्टर को लगाने से पहले जो वाइप करना पड़ता है उसके जैसा जो मोबाइल वगैरह में हम लोग करते हैं उसी तरह से दो वाइप्स भी मिल जाएगा, एक ड्राई और एक वेट। और इसके अंदर आपको rapandride का जो लोगो है उसका भी स्टिकर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी सभी जो प्रोडक्ट है इसको अंदर रखते और देखते जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी कैसा है। तो ये रहा बेसिकली जो प्रोडक्ट, तो जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो क्वालिटी है और इसका जो थिकनेस है वो भी बहुत ही अच्छा है। ये 3M सर्टिफाइड भी है, आप ऐसे देख भी सकते हैं ये 3M सर्टिफाइड है। तो आपको एक बार मैं कहना चाहूंगा, आप अगर कोई भी बाइक या फिर स्कूटर में दो पार्ट है डिजिटल कंसोल या फिर डिजिटल मीटर में, तो वो भी आपको एक साथ ही मिलेगा। तो आपको मालूम है हॉर्नेट बाइक में जो डिजिटल कंसोल है उसका दो पार्ट है, वहां पर दो स्क्रीन है। तो एक जो है वहां पर इंडिकेटर वगैरह दिखाते हैं जो ये पार्ट, और ये जो है मेन पार्ट। तो यहाँ पर दो ही आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पार्ट है छोटा करके और यहाँ पर जो मेन पार्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। अभी चलते हैं इसको जो बाइक है उसमें इंस्टॉल करते हैं। तो आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन से पहले जो डिजिटल कंसोल है उसका जो ग्लास है उसको इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर कोई भी आपके पास अगर अच्छा सा क्लॉथ रहा तो उसको पहले क्लीन करना चाहिए। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। जो स्क्रीन है उसको पहले जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उससे पहले क्लीन कर लेते हैं। इसको अच्छे से क्लीन करना है, कोई भी डस्ट पार्टिकल यहाँ पर नहीं रहे, अगर रहेगा तो जो प्रोटेक्टर है ग्लास प्रोटेक्टर उसके नीचे चला जाएगा और दिखने में खराब लगेगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो यहाँ पर मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको क्लीन कर लिया, आप यहाँ पर वाइप का यूज करेंगे। सो गाइस, पहले हमको वेट वाला जो वाइप से उसको यूज करना है, उसके बाद ड्राई वाइप से उसको क्लीन करना है। तो इसको खोल लेते हैं। जैसे हमारे जो मोबाइल के ऊपर हम लोग ग्लास प्रोटेक्टर लगाते हैं ऐसे ही है, सेम प्रोसेस है यहाँ पर। हम लोग यूज करेंगे जो ड्राई वाला वाइप है उसको। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. आपको हर तरफ इसको यूज करके क्लीन करना है अच्छे से। तो ये पूरी तरह से क्लीन हो गया। तो ये रहा ग्लास प्रोटेक्टर, इसको ध्यान से खोलना है और ध्यान से इसको इंस्टॉल भी करना है। तो इसको पहले खोल लेते हैं।
एक साइड से खोलेंगे और एक साइड से इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक साइड से खोलना है और एक साइड से लगाना है, जैसे हम लोग मोबाइल वगैरह में स्क्रैच गार्ड या फिर ग्लास प्रोटेक्टर को लगाते हैं ऐसे ही, तो मैंने आपको जो प्रोसेस है वो तो कुछ हद तक दिखा दिया, जो लास्ट फिनिशिंग था वो मैंने दिखा नहीं पाया क्योंकि ये इंस्टॉल करना थोड़ा सा टफ हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे विंडशील्ड भी है यहाँ पर मुझे स्पेस नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। तो आप देख सकते हैं इस यहाँ पर एक नाइस फिनिशिंग आ रहा है, तो ऊपर का जो वो भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बबल आ गया है, ये मेरे गलती से ही आया है, तो आप जब इसको इंस्टॉल करें तो ध्यान से करें, कोई भी बबल्स वगैरह यहाँ पर ना आने दे। तो इसका क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको खरीद भी सकते हैं और अपने कोई भी बाइक पे इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी था, आप लोग इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जो ये प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है, ये 3M सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ये बेसिकली मोबाइल के ऊपर जो स्क्रैच गार्ड आता है ऐसे ही है, तो ये प्रोटेक्ट करेगा आपका डिजिटल कंसोल का जो ऊपर स्क्रीन है उसको। तो आप जाके rapandride.com से इसको खरीद सकते हैं, आपका जो भी बाइक या फिर स्कूटर है उसी हिसाब से। सो आप सभी लोगों के लिए एक कूपन कोड भी है, तो कूपन कोड और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यही तक है, अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।